आज दिनांक 28/12/2020 कृषि राशि का नौकरी सत्र का नौकरी सत्र का ठीक है जो बोले तो सही एकदम उसके बाद आज 30 तारीख हुई है कुछ नहीं हुआ 10 दिन हो गया मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं पैसे उससे कल मैं ना मोटरसाइकिल का कुछ हुआ ना मेडिकल हुआ आज मेडिकल हुआ 30 तारीख हो गया बार बार बस पैसों के अलावा कुछ बात ही नहीं की थी क्या मामला था क्या आप कर रहे मामला ये था पापा जी जा रहे थे मेडिकल चल रहे पे एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने कैंपर वगैरह सारे के नंबर दे दिए थे उनको फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो कितने रुपए की मांग की गई 5,000 रुपये की मांग की गई थी किसने की थी केस साहब ने सालेजर नाम फिर आप ACP में कैसे पहुँचे क्या रिश्वत के हम सब खिलाफ है कभी दी नहीं हमने रिश्वत और मैं खुद हाईकोर्ट में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो इसलिए हम पहुँच गए सर क्या नाम है आपका मेरा नाम राणेश 5,000 रुपये से मांगी गई हमारे यहाँ पे एक परिवादी राणेश चौधरी आया जिसके पिता का 8 दिसंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था मेडिकल चौराहे जी उसके एक्सीडेंट का मुकदमा 11 दिसंबर को शास्त्रीनगर थाने में दर्ज हुआ था जिसके अनुसंधान अधिकारी सालग्राम जी थे सालग्राम जी ने इसमें उनको मेडिकल करवाने और इस एवज में पहले उनको 2-3 बार फ़ोन पर बुलाया पैसे की मांग की फिर आज हमने वेरिफिकेशन किया तो वेरिफिकेशन क्लियर कट उन्होंने पैसे मांगे 5,000 रुपये और इस एवज में मांगे कि हम कानूनी कार्रवाई फ्री में नहीं होती है और उसके लिए पैसे लगते हैं इस एवज पे उसको वेरिफिकेशन करने के बाद रैप ऑर्गेनाइज किया गया और हमारे TLO मनीष वैष्णव CI है जिन्होंने और पूरी टीम की सहायता से बैरूजी चौराहे पे उनको पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और यहाँ पे नगर निगम को कैमाना की कार्रवाई की कितने राशि लेते थे सर 5,000 रुपये लगे हाथ सर मांगे कितने थे 5,000 ही मांगे थे उन्होंने 5,000 परिवादी द्वारा रंगे हाथ दिए पहले और भी कुछ पैसे दिए थे या कोई नहीं बार बार उनको परेशान किया जा रहा था इसीलिए परिवादी ने अपनी कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए ACP के पास आया